ओके okay. हम सबसे पहले फ्लोरा और फौना को डिस्कस करेंगे। फ्लोरा का मतलब होता है टोटल प्लांट पॉपुलेशन present in a particular geographical area, is termed as flora. Okay? तो किसी भी geographical एक certain geographical area को हमने ले लिया वहां पर और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि वहां पर कितनी प्लांट स्पीसीज है, उसको हम कहेंगे फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा नागपुर फ्लोरा, इट मीन्स नागपुर के आसपास नागपुर वाले एरिया में जितना भी प्लांट्स प्रेजेंट है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जितने भी टाइप के हैं सभी वहां पर, उनको हम कहेंगे नागपुर फ्लोरा। ओके फिर अगर आपको और थोड़ा बड़े एरिया लेना है तो विदर्भ, पूरा का पूरा विदर्भ फ्लोरा। फिर आगे आपको लेना है तो आप बोलोगे पूरा महाराष्ट्र फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र। ओके फिर आपको और बोल रहा है तो इंडियन फ्लोरा। ओके फिर पूरा इंडिया का, तो आपने या फिर पूरा सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लिया आपने, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब आ जाएंगे उसके साथ में, तो वहां पर हो जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। वहां पर कितने सारे प्लांट स्पीसीज मिलते हैं। फिर आपको और थोड़ा वाइड होना है, आपको थोड़ा सा और बड़ा लेना है वहां पर एरिया, तो आप बोलोगे एशियन फ्लोरा, पूरा एशिया। ठीक है फिर अगर आपको और पूरा, तो फिर आप पूरा वहां पर बोलोगे पूरा अर्थ का कितना फ्लोरा है, तो पूरे अर्थ पर मिलने वाले, बायोस्फीयर में पूरे मिलने वाले प्लांट्स, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया का बोल सकते हैं। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया, आपको सर्टन एरिया आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बोलोगे कि वहां का फ्लोरा होगा। ओके तो अगर आपको आपके घर के पास में लेना है तो आपके घर के पास का फ्लोरा, आपके घर के पास में कितनी प्लांट स्पीसीज ग्रो करती है, आपने देखा वहां पर मैंगो है, नीम है, पपाया है, बनाना है, तो उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देना। ओके तो टोटल प्लांट पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज टर्म्ड एज फ्लोरा। ओके ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड है फौना। जहां पर हमने प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट स्पीसीज की बात की है, वहां पर अगर हम एनिमल जू रिलेटेड है, एनिमल के लिए टर्म यूज करेंगे, तो देन ये हो जाएगा फौना। तो टोटल एनिमल पॉपुलेशन और ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज फाउंड in a certain geographical area is termed as fauna. Again Nagpur fauna, to Nagpur mein jitne bhi animals species milti hai, cat, dog, rat, to dog ki kitni breed available hai, theek hai, phir कैट, ह्यूमन बीइंग्स, ओके, रैट, पिग, काऊ, बफेलो, जितने भी एनिमल्स आपको दिखेंगे, इंसेक्ट्स, ओके, कितने वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नागपुर फ्लोरा कहेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको एक सर्टन ज्योग्राफिकल एरिया को चूज करना है, फिर वो एरिया छोटा भी हो सकता है या फिर पूरा अर्थ भी आप ले सकते हैं।
ओके, तो अर्थ पर प्रेजेंट सभी एनिमल स्पीसीज को भी आप फौना कहोगे, ठीक है। तब हम एक ज्योग्राफिकल एरिया पूरा क्या ले रहे हैं, पूरे अर्थ को ले रहे हैं, ओके। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया आपने ले लिया तो वहां का फौना आप बताओ। एक्वेटिक फौना अगर बोला, ओके, एक्वेटिक फ्लोरा, एक्वेटिक फौना, तो आप समझ जाओगे कि बस आपको वाटर बॉडी से रिलेटेड वहां पर फ्लोरा बोला है, एक्वेटिक फ्लोरा तो वाटर बॉडी से रिलेटेड प्लांट, एक्वेटिक फौना बोला है तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताना है आपको, ओके। फ्लोरा और फौना में किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है? फॉर एग्जाम्पल इंडियन फ्लोरा, इंडियन फौना, ओके, या एक्वेटिक फ्लोरा, एक्वेटिक फौना, ऐसा ही बोल सकते हैं। किसी कोई डाउट है बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट टर्म है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल। गुड, मोनो इट मींस सिंगल, यूनिट और वन। ओके, तो मोनोग्राफ इट मींस हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी एक सिंगल चीज का, और हम टेक्सोनॉमी में बात कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी के लिए हेल्पफुल है ये चीजें, ओके, टेक्सोनॉमी में कुछ हेल्प कर सकती है, तो टेक्सोनॉमी से रिलेटेड सिंगल रिप्रेजेंटेशन। तो हम टेक्सोनॉमी में कैटेगरीज के अंडर में रिप्रेजेंट करते हैं सबको, तो टेक्सोनॉमी में कैटेगरीज को हम टेक्सोन, सिंगल को टेक्सोन, मेनी को टेक्सा कहते हैं। तो जब एक सिंगल टेक्सोन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे मोनोग्राफ, ओके। व्हेन ओनली अ सिंगल टेक्सोन और कैटेगरी रैंक considered for representation or information or information of a single taxon is provided या तो आपको बोला गया है कि सिंगल टेक्सॉन के अंडर में किसी को रिप्रेजेंट करना है, या फिर आपको सिंगल टेक्सॉन के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, ओके। तो एक ही सिंगल टेक्सॉन को या तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो देन उस टाइम पर क्या हो रहा है, फिर मोनोग्राफ यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। ओके, फॉर एग्जांपल ओनली व्हीट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, नागपुर में कितने व्हीट है, व्हीट के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नागपुर का फ्लोरा बता रहे, नागपुर का फ्लोरा बताते तो सभी प्लांट स्पीसीज को लेते नागपुर की, ओके। लेकिन नागपुर के व्हीट के बारे में, नागपुर के ऑरेंज के बारे में बताया जा रहा है, एक ही के बारे में बताया जा रहा है, ओके। तो वहां पर हो जाएगा ये नागपुर में कितने डिविजन्स मिलते हैं, प्लांट के डिविजन्स कितने मिलते हैं, उन डिविजन्स में कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, तो डिविजन्स के बारे में बताया जा रहा है, डिविजन भी एक कैटेगरी हो गई, ओके। व्हीट स्पीसीज
वहां पर एस्टिवम क्रिटिकम एस्टिवम सिंगल जीनस के बारे में बताया जा रहा है किसी के ओके इस मैंगी फेरा ये जो मैं मैंगी फेरा दिख रहा हूँ ये क्लियरली विजिबल है क्या बेटा विजिबल है आपको यस सर ओके तो अब मैंने जैसे ही लिखा जीनस तो जीनस या स्पीसीज को जैसे आपने हैंड रिटन तो आप लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है अगर टाइप करोगे तो उसको इटैलिक्स में टाइप करना है ओके तो मैंगी फेरा ये जीनस हो गया तो पूरे नागपुर के मैंगी फेरा मतलब की मैंगो की जो मैंगी फेरा है उसके अंडर में जितनी भी स्पीसीज आती है जितनी वराइटीज आती है सबको एक्सप्लेन करना ओके क्लास मैमेलिया समझ लो हम ओनली मैमेलिया की बात कर रहे हैं अगर नागपुर के या फिर किसी भी एक जगह की तो वहां पर मैमेलिया क्लास के कितने मेंबर्स है कौन कौन से मेंबर्स है ओके जरूरी नहीं कि सभी जगह पर सभी मैमेलिया के मैमल्स अवेलेबल होंगे जैसे कंगारू कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको नागपुर में थोड़ी मिलेगा ओके तो कंगारू प्लासेंटल मैमल है सॉरी कंगारू नॉन प्लेसेंटल मैमल है और उसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं मार्सुपियल मार्सुपियल मैमल्स का मतलब मार्सुपियल का मतलब होता है बॉडी पाउच जो बॉडी में बाहर की तरफ स्किन का एक पाउच बनाते हैं और अपने यंग वंस को उसके अंदर रखते हैं अच्छे से डेवलप करवाने के लिए आपने देखा होगा कि जब कंगारू जो फीमेल जब दौड़ती है कूदती है ऐसे जोर जोर से तो उसके अंदर आपने कुछ कुछ फीमेल्स की बॉडी में छोटे छोटे वहां पर कंगारू देखे होंगे बॉडी में उनके बच्चे देखे होंगे ठीक है किसी ने ऐसा देखा है क्या डॉक्यूमेंट्री में या मूवी में ठीक है कोई ऑस्ट्रेलिया गया हो विजिट करने के लिए वहां पर या फिर कुछ ऐसी कहीं ना कहीं तो देखा होगा शायद देखा है किसी ने सर मूवी में देखा था देखा है ना ओके हाँ एटलीस्ट मतलब ये पता होना चाहिए कि आप लोगों में से किसी ने को पता तो है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ अदरवाइज मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन दूसरा एग्जाम्पल दू अगर किसी को पता है तो हम वो एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि हाँ आपसे किसी को पता है तो अगर आपके सर के ऊपर जा रहा है आपको पता नहीं है कि उसके बारे में क्या है तो देन फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दू मैंगीफेरा मैमेलिया जैसे काम है तो मैमल्स तो कंगारू मैमल हमारे पास में नागपुर में नहीं मिल सकता तो ये ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर ही आपको मिलेगा तो ये आपको ध्यान रखना है सभी मैमल्स नहीं मिलेंगे एक जगह पर तो फिर कौन कौन से मैमल्स है नागपुर में ओके उनकी कौन कौन सी स्पीसीज अवेलेबल है कौन कौन से जेनेरा अवेलेबल है ओके ये सब आपको वहां पर डिफाइन करना तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं सभी के लिए ऑर्डर दे सकते हैं कोई एक ऑर्डर ले लिया आपने जैसे आपने ले लिया वहां पर डिप्टेरा ऑर्डर ले लिया वहां पर आर्थ्रोपोडा का जिसको हमने मस्का डोमेस्टिका में पढ़ा था हाउस फ्लाई में पढ़ा था वैसा आपने कोई ले लिया है वहां पर डिप्टेरा ऑर्डर तो उस डिप्टेरा ऑर्डर में हाउस फ्लाई तो आएगी साथ में बहुत सारे आर्थ्रोपोड अदर आर्थ्रोपोड भी आएंगे ओके ये आपको वहां पर इंक्लूड करना ये हो जाता है मोनोग्राफ एक पर्टिकुलर टाइम पर केवल एक ही टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देना डिस्क्रिप्शन देना या उस तो उसकी इंफॉर्मेशन को आगे रिप्रेजेंट करना उसके बारे में बताना होगा या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिंगल टेक्सॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है हो गया स्क्रीनशॉट यस सर ओके
ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? सर, यस बोलो सर, सर मैंगो को मैंगिफेरा इंडिका बोलते हैं, तो मैंगो तो बहुत टाइप के होते हैं ना सर, सभी को वही बोलेंगे क्या? बेटा देखो क्या होता है ना, मैंगिफेरा इंडिका ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हो गया। आप अगर जब आप मार्केट में जा रहे हो तो आप मैंगो खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपने बोला बस ओनली मैंगो वर्ड, मतलब आप मैंगिफेरा इंडिका खरीदने जा रहे हो। लेकिन फिर मैंगो वहां पर जाने के बाद में आपको सो मेनी वैरायटीज दिखी, अलग अलग टाइप के दिखी, ओके हापुस दिखा आपको जो है वो, वहां पर आपको कलमी आम दिखा, फिर वो उसके बाद में कुछ तोतापुरी, रामपुरी, काशीपुरी, कुछ ऐसे अलग अलग वैरायटीज होती है ना, तो आपको सो मेनी वहां पर दिखे, ओके। तो फिर आप वो वैरायटीज है, तो मैंगिफेरा इंडिका सभी मैंगिफेरा इंडिका है, स्पीसीज इंडिका है सबकी मैंगिफेरा इंडिका, ओके। लेकिन फिर जो उसके जो अलग अलग ब्रीड्स है, अलग अलग वैरायटीज है, तो वैरायटीज और सब स्पीसीज ये हमने जो 14 कैटेगरीज बोली थी उसमें आती है, मतलब उसके अंडर में आएगी, ओके। उसके बाद में आप लिख सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, केसरी, केसर, बादाम, बादामी, ऐसे अलग अलग वहां पर नाम होते हैं, तो वो वैरायटीज है बेटा उसकी, उसके बाद में लिख सकते हैं। जैसे हम सभी होमो सेपियंस हैं, लेकिन होमो सेपियंस है तो इंडियंस अलग है, ठीक है, उसमें भी ब्रीड्स अलग अलग है, कॉकेसॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, मैंगलॉइड, अलग अलग है, ओके। तो निग्रोइड है ना, निग्रो पता होगा ना, बिल्कुल एकदम, अभी जैसे कि मेरी इस पर बराबर लाइट नहीं पड़ रही है तो मेरा भी आपको फेस बहुत ही शायद ब्लैक दिख रहा होगा, इतना ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, तो पिगमेंटेशन है, ओके, वो पिगमेंटेशन जो है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ नाइजेरिया वगैरह ऐसे प्लेयर अगर आप देखते हैं, ऐसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के, तो उनके केवल टीथ चमकते हैं, ओके, उनके ओनली टीथ चमकते हैं, आपको रात में अगर आप उनको खेलते हुए देखोगे तो, बाकी सब नहीं दिखते, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। पिगमेंटेशन वो तो डिपेंड करता है, और जितना पिगमेंटेशन सनलाइट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो उनका इन्वायरमेंट ही वैसा है। तो निग्रोइड, कॉकेसॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगलॉइड, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हमने बना करके रखी। फिर आजकल हम उसमें भी एशियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन ऐसा बोलते हैं आजकल सिंपल इसमें बोलने के लिए। फिर एशियन में भी फिर चाइनीज, इंडियन, बांग्लादेशी, ऐसा अलग अलग बोलते हैं फिर, ओके। तो ये वैरायटीज है वहां पर, सब स्पीसीज, वैरायटीज, ब्रीड्स, ये सब अलग अलग, ओके, ये सब में मिलेगी आपको। आप डॉग में भी देखोगे तो डॉग में भी है ना, लैब्राडोर अलग है, फिर आप वहां पर जो अलग अलग वहां पर डॉग की ब्रीड्स को आप देख सकते हो वहां पर, ओके। समझ में आ गया बेटा? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, इसमें एक प्रश्न है और कैटलॉग और मैनुअल्स। नेक्स्ट नंबर कैटलॉग, ये जो वर्ड है बहुत कॉमन है और आजकल बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, ये टैक्सोनॉमी में पढ़ने वाले कैटलॉग। आपने किसी ने किसी चीज का कैटलॉग देखा होगा, देखा है किसी ने कैटलॉग आज तक किसी चीज का? जोर से बोलना बेटा, किस चीज का कैटलॉग देखा है बताओ, किस चीज का देखा? कपड़ों का, साड़ी का, गुड, और सर पेंट कलर्स का, पेंट कलर का, वेरी गुड सर, बुक्स का, बुक्स का कैटलॉग देखा है, गुड,
और वॉलपेपर का वॉलपेपर का कैटलॉग देखा है, गुड। और बेटा लास्ट में जिसने आंसर दिया वो मुझको क्लियर नहीं सुनाई दिया, क्या बोला बेटा? घर वो घर घर का डिफरेंट टाइप कोई का रिपीट करेगा क्या? सुनाई दिया होगा तो, क्योंकि मेरे पास में हेडफोन नहीं लगाए मैंने। किसी को सुनाई दिया होगा क्लियरली तो बता दो बेटा, क्या बता रहे दोस्तों? चलो सफिशियंट दे दिया। तो देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि कैटलॉग देखे हैं, किसी का मैसेज आया था, मैं चेक कर लेता हूँ। हाउस, ठीक है, हाँ, घर बनाते हैं तो उसका जो है फ्लैट का मल्टी का, या फिर घर बनाते हैं तो उसका कैटलॉग दिखाते कि आपको किस तरह से आपका जो है वो इंटीरियर एक्सटीरियर कैसे बनाना है, उसका भी कैटलॉग आता है। तो कैटलॉग, ओके, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो अपने अपने अलग अलग कैटलॉग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अपने यहाँ पर जो चीजें बनाई जा रही हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके, लोगों को दिखा सके उनकी स्पेशलिटी क्या है, किस कलर का है, किस शेड का है, स्पेशलिटी क्या है, ओके, उसकी वैल्यू क्या है। लगभग बहुत सारे कैटलॉग में उसकी प्राइस भी लिखी रहती है, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या है ना। तो ये सारा मतलब उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और वहां पर बताया जाता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी क्या है और वैल्यू क्या है। लेकिन कैटलॉग जनरली अगर आपने देखे हो तो ऐसे साड़ी के या फिर इनके कपड़ों के, तो उनमें तो एक बिल्कुल एक सीधा होता है कि हाँ उनको एक तरह के पैटर्न उनको दिखा देना है। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्रियल कैटलॉग देखते हैं, किसी इंडस्ट्री में बनाया हुआ, ठीक है, या फिर जैसे कि किसी ने कहा बुक्स का कैटलॉग देखा है, तो जो टेक्स्ट बुक होती है उनके जो कैटलॉग होते हैं उनमें या तो वो प्राइस की बढ़ते या वहां पर मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वहां पर प्राइस के रेट के, ओके, या फिर उनके जो स्टार्टिंग नेम है, ओके, उनमें वहां पर अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंज होते हैं, ओके, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले, देन बी वाले, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल मैनर में वहां पर वो रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल भी वहां पर आपको दिखेंगे। तो यहां पर भी कैटलॉग का मतलब है कि अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंजमेंट रहेगी। कोई भी प्लांट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप या एनिमल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो एक कैटलॉग जब बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले प्लांट या एनिमल स्पीसीज, फिर आप यहाँ पर ओनली फ्लोरा नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको बोल रहे हैं कैटलॉग। तो फ्लोरा में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, फुल डिस्क्रिप्शन होता है। फ्लोरा या फॉना में जब हम बताते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। फ्लोरा और फॉना में एक टर्म याद रखना, फ्लोरा और फॉना के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, ओके। लेकिन कैटलॉग में एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल, ओके। उनमें उनकी स्पेशलिटीज क्या है, उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या है, ओके, और उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बस कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंस, ये दो चीजें, ठीक है। क्या वो स्पाइसेस बनाता है, मेडिसिन में यूज होता है, उसकी रूट कोई अलग से केमिकल बनाती है क्या, ठीक है, तो इस तरह से वहां पर किसी तरह की वो गम या रेजिन बनाता है, ये सारी स्पेशलिटी वहां पर उसमें वहां पर लिखी जाती है। कैटलॉग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया अबाउट देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, ऐसा भी लिख सकते थे।
डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया विच इंक्लूड which includes spatial characters and importance spatial characters and importance while representing them in alphabetical manner. Okay, so agar kisi लिविंग बीइंग का हमको कैटलॉग बनाना है तो हमें फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें उनका पहले तो उनको सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा उनकी इंफॉर्मेशन को, और फिर उनको अल्फाबेटिकल मैनर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. फर्स्ट वी शुड रिप्रेजेंट देम इन अल्फाबेटिकल मैनर, देन उसके बाद में उसके कैरेक्टर्स, उसकी वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कुछ प्लांट है, ओके, प्लांट का आप एक कैटलॉग बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में आपके घर के आसपास में कुछ प्लांट है, जैसे आपने कहा मैंगो है आपके पास में, मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हो गया मैंगीफेरा इंडिका, ओके, मैंगीफेरा इंडिका. नंबर भी देता हूं मैं, बस आपको नेमिंग यहां पर बताता हूं. मैंगो है मैंगीफेरा इंडिका, फिर आपके पास में है राइस, राइस, राइस का बायोलॉजिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा. जो जो मैं नाम बोलता जाता हूँ वो आपको काम के है, ठीक है, जो लिख रहा हुआ इस चैप्टर में आगे के चैप्टर में आएंगे. पोटैटो, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ओके, देन रोज, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, ओके, देन नीम, नीम का बायोलॉजिकल नेम है एजाडी राक्टा इंडिका, एजाडी राक्टा इंडिका, इससे जो केमिकल निकलता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला उसको एजाडिरिक्टिन बोलते हैं, एजाडिराक्टा इंडिका, जिसका बायोलॉजिकल नेम याद है उससे वो केमिकल का नाम भी याद हो जाएगा एजाडिरिक्टिन, ओके. इसे टर्मरिक का प्लांट है, इसको सर्क्यूमा लॉन्गा बोलते हैं, जिससे कर्क्यूमिन नाम का केमिकल निकलता है. तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, कुछ फाइव एग्जाम्पल हो गए. अब इनको आपको कैटलॉग बनाना है, इनका आपके पांच आपके आसपास में मिल गए आपको, और इनका आपको कैटलॉग बनाना है. क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है अल्फाबेटिकल मैनर में रिप्रेजेंटेशन. अब आप ये नहीं देखोगे उनका जनरल जो आप लोकल नेम है वो क्या है, मैंगो, पोटैटो, आम, ऐसा मत बोला कि सर आम है तो आ वहां पर ए से स्टार्ट होगा फिर, ओके, ऐसा नहीं, या फिर मैंगो है तो एम से स्टार्ट होगा. आप लोगों को बायोलॉजिकल आपको बायोलॉजिकल नेम्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके? तो बायोलॉजिकल नेम में सबसे पहले जीनस आता है, तो जीनस में कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेटिकल मैनर में सबसे पहले, तो नीम के लिए एजाडी राक्टा इंडिका है, तो
तो नंबर वन हो जाएगा नीम, एजाडिराप्टा इंडिका। तो आपको सबसे पहले नीम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एजाडिराप्टा इंडिका। तो सबसे पहले आप कैटलॉग बनाओगे, उसमें सबसे पहला होगा आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर वन एजाडिराप्टा इंडिका। अब इसका आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे, जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर उसके क्या होते हैं, उससे कौन कौन से केमिकल निकलते हैं, पेस्टिसाइड बनाया जा सकता है, नेचुरल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइडल केमिकल होते हैं, एजाडी रिटिन, ये सब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है एस एम ओ आर, तो एम आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पर मैंगिफेरा आ जाएगा, मैंगिफेरा इंडिका। उसका आप लोकल नेम बताओगे, ठीक है, आम इंग्लिश नेम बताओगे वहां पर मैंगो, और फिर उसके आगे आप उसका स्पेशल कैरेक्टर्स और बात करोगे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड मैंगो हो जाएगा, फिर थर्ड क्या आएगा, वो वाला ओराइजा सटाइवा, थर्ड ओराइजा सटाइवा आ जाएगा, देन फिर रोजा इंडिका फोर्थ आ जाएगा, और सोलेनम का पोटैटो वाला मतलब सोलेनम फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तब तक। सर हाँ बेटा, सर मोनोग्राफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है या डिटेल? मोनोग्राफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहता है बेटा, डिटेल नहीं रहता। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में आपको अपर पॉइंट्स बताओगे। यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। गुड। चलो अब हम स्टार्ट। मैनुअल का मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं मैनुअल्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये फर्स्ट फोर यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इसी फर्स्ट चैप्टर में किसी को और कोई फर्दर डाउट बचा होगा तो पूछ लो जल्दी से। क्लास में हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर टू है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 16 मिलेगा आपको। डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, फर्स्ट डाइजेशन की डेफिनेशन बताओ बेटा जल्दी। The process of breakdown of a complex molecule of food into simpler ones. Okay. और कोई भी ट्राई करेगा? कोई ट्राई करेगा? Breakdown of food into smaller components. Okay, good. तो ये आप लोग के लिए 9 तक की बोलूंगा, 10 की भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, 9 तक की आप लोगों के लिए ये डेफिनेशन ठीक थी कि फूड का हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ओके,
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डाइजेशन की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कुछ टर्म्स आना चाहिए जो साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए, जो कि 10 और उसके हाइयर स्टैंडर्ड में आपको चाहिए। मतलब अभी आप 11th में है स्टैंडर्ड में, तो आपको हाइयर स्टैंडर्ड में है तो आपको उस तरह की डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, आपको वहां पर पहले 8-9 तक वहां पर बेसिक नॉलेज दिया जाता है। तो डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपको जो प्रॉपर पता होना चाहिए। तो डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस इन विच ये आप लिखते हो कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बीच वाला आपके आपका आ जाएगा, इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आप जिसको फूड बोल रहे हो उस फूड में क्या होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स, इनको हम आगे बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन और कैटाबोलाइज्ड, आर ब्रोकन डाउन तोड़े जा रहे हैं और ये लिविंग सेल लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, कैटाबॉलिक। तो ब्रोकन डाउन और कैटाबोलाइज्ड इनटू स्मॉल, लार्ज के स्मॉल बन गए, कॉम्प्लेक्स के सिंपलर बन गए, सिंपलर अब्सॉर्बेबल, ये ध्यान रखना, जिनका अब्सॉर्प्शन हो सके, अब्सॉर्बेबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जरूरी नहीं कि ओनली इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं टूटेगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी सिंपल में टूट सकता है, जैसे स्टार्च ग्लूकोज में टूटा तो ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो सकता है इस तरह से। ओके, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी टूट सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी टूट सकता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट, क्या होते हैं बेटा बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स, एंजाइम्स, वेरी गुड, बायोकैटालिस्ट दैट इज एंजाइम्स। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। तो इस ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना है कि उसमें डाइजेशन से रिलेटेड जो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर यही होता है, आप सिंपल पढ़ करके जाते हो बहुत सारी बुक्स में या फिर बहुत सारा कि डाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ऐसा पढ़ करके जाते हो। आपको अगर बोर्ड में 11th क्लास में आपको अगर यहाँ पर अगर रिटन एग्जाम में भी आती है तो ये डेफिनेशन लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, और आपको नीट में भी अगर क्वेश्चन इस डेफिनेशन के ऊपर बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स आ गई। फर्स्ट, डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, तो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक, ये दो वर्ड से बना है। अब जरूरी नहीं कि हर टर्म को आप तोड़ करके देखो, जैसे आप कोई ऐसा नहीं बोले डाइजेशन, ऐसा नहीं ब्रेक करना, मीनिंगफुल वर्ड में ब्रेक करना है आपको, कि उसका कुछ मीनिंग पता है कि हमको ऑलरेडी या फिर होता है क्या,
ठीक है, उसमें ब्रेक करना है, ऐसे नहीं ब्रेक करना है। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो फिर अब्सॉर्प्शन कोई मीनिंग नहीं उसका। अब्सॉर्ब करना ये अलग चीज है, और अब्सॉर्ब करना मतलब अब्सॉर्प्शन फिनोमेना, कोई चीज अब्सॉर्ब हो रही है तो हम बोलेंगे उसका अब्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर चीज को नहीं ब्रेक करोगे आप, उसमें कुछ पार्ट है, कोई वर्ड कोई टर्म बनी हुई है और उसमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं तब आप उसको ब्रेक करोगे, अदरवाइज नहीं। ओके, ये ध्यान रखना। फर्स्ट हमने कहा हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, तो हाइड्रो और लिटिक, तो हाइड्रो मतलब हाइड्रा, हाइड्रा से बनाए हो हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है एक्वा मतलब वाटर। ओके, फिर सेकंड है लाइटिक, जो है वो लाइसिस से आया है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा। इसे कोई भी चीज खाने के पहले हमारी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में वाटर होना चाहिए। ओके, इसे खाना खाने के एटलीस्ट आधे घंटे पहले आपको जो है वहां पर पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पानी कम पियो, ताकि जब हम फूड खाएंगे तो उसमें जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस लगता है उसकी न्यूट्रलिटी ना हो जाए, वो H2O जो pH 7 वाला है न्यूट्रल वाला, वो उसमें ज्यादा ना जाए, उसके पहले चला जाए, ताकि हमारी बॉडी में पहले से अवेलेबल हो कुछ अमाउंट। ओके, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, इसलिए वाटर पहले से नीडेड है, इसलिए खाना पचाने के लिए भी हमारे पास में पानी ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ओके, इसलिए जो अच्छा पानी पीता है दिन भर में उसमें डाइजेशन भी अच्छा रहता है उसका। ओके, खाना खाने के टाइम पर बहुत ही कम पानी पीना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर पियोगे तो फिर वो एसिडिक जो जूस रिलीज हो रहे हैं, सलाइवा भी स्लाइटली एसिडिक होता है, गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, तो उनको फिर वो अफेक्ट कर सकता है, और फिर उससे प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट हो सकता है, स्टमक प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ब्रेकडाउन, तो वाटर की जरूरत होती है, और ये जो वाटर ब्रेकडाउन होता है आयंस में, प्रोटॉन और OH नेगेटिव आयंस में, ये फिर आगे रिएक्ट करता है अदर मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनको हमने कहा बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बायो मॉलिक्यूल्स डाइजेशन ओनली बायो मॉलिक्यूल्स का होगा। ओके, सभी न्यूट्रिएंट का नहीं होता, इसलिए मैंने न्यूट्रिएंट ही लिखा है। आप जब 9-10 में पढ़ते हो तो आप न्यूट्रिएंट लिखते हो कि न्यूट्रिएंट ब्रोकन डाउन होते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। पहले बायो मॉलिक्यूल, इधर न्यूट्रिएंट्स। बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब है ओनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आता है, ये बायो मॉलिक्यूल्स। लेकिन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब खाने में जो जो चीजें आती है उनको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। अब खाने में क्या क्या आता है, तो खाने में आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट आएगा। ओके, प्रोटीन्स आएंगे। ओके, फैट और लिपिड्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे, मतलब बायो मॉलिक्यूल तो आ ही रहे हैं। इसके बाद में हम लिख सकते हैं बायो मॉलिक्यूल, लेकिन जरूरी नहीं कि हर खाने में हर चीज आए, कुछ चीजें शुगर फ्री भी हो सकती है। ठीक है, आप कोई बाहर से सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं खाने में, उसमें शुगर नहीं है, किसी में शुगर ही शुगर हो सकती है, प्रोटीन या फैट कम हो सकता है, किसी में शुगर और फैट ज्यादा हो सकता है, प्रोटीन कम हो सकता है या नहीं हो सकता प्रोटीन। ओके, आपने ओनली क्या किया, आपने सुक्रोज खा लिया, टेबल शुगर, शक्कर खा ली घर में, तो आपको सुक्रोज गया ओनली, मतलब ओनली कार्बोहाइड्रेट गया, बाकी कुछ नहीं गया। तो इन मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फूड।
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और लिपिड न्यूक्लिक एसिड मतलब बायो मॉलिक्यूल हो सकते हैं ओके एटलीस्ट वन बायो मॉलिक्यूल तो हर फूड में होता है कोई भी फूड खाओ आप बिना बायो मॉलिक्यूल का एटलीस्ट एक बायो मॉलिक्यूल का कोई फूड नहीं हो सकता ठीक है कोई मतलब नहीं इसलिए हम उसको खाते हैं ऐसी चीज फिर कुछ होते हैं वहां पर साथ में होते हैं विटामिन या विटामिन के प्रीकर्सर्स विटामिन बनाने वाले मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स विटामिन एंड मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट है तो अब हमने सभी न्यूट्रिएंट यहाँ पर न्यूट्रिएंट तो हम फूड के फॉर्म में लेते हैं तो फूड जो ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट है अब न्यूट्रिएंट में इन सब में से कुछ ना कुछ होगा ओके लेकिन हर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं करते हम तो हम विटामिन एंड मिनरल्स इन न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट नहीं करते हम ओनली बायो मॉलिक्यूल का डाइजेशन करते हैं ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीनशॉट तो ले लो आप और मुझे ये बताओ कि हम विटामिन्स और मिनरल्स का डाइजेशन क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर सकते क्या क्या किसी को कुछ पता हो उसके बारे में जल्दी बताओ We do not digest vitamins and minerals. Why? सर वो वाटर में हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर में? नहीं बेटा, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के ये फैट सॉल्युबल विटामिन से फोर ओके फोर विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के ये फैट सॉल्युबल है वाटर में नहीं डिसॉल्व होते वाटर में डिसॉल्व होने वाले ओनली दो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है सर यस सर फाइबर्स और लगेज भी न्यूट्रिएंट्स में आएंगे ना हाँ लेकिन फाइबर्स जो होते हैं वो भी एक्चुअल में इन मॉलिक्यूल में से किसी न किसी चीजों से बने होते हैं ठीक है कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं कुछ जो है वो मतलब वो इस तरह से होते हैं कि उनका वहां पर ज्यादा डाइजेशन नहीं होता ठीक है लेकिन वो मतलब डाइजेशन की प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं ओके तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं यस सर हाँ तो ये बताओ पहले तो कि विटामिन्स और मिनरल्स का डाइजेशन क्यों नहीं होता हमारी बॉडी में So they are in the form of simpler substances that it can be absorbed. So that's Very why good. It doesn't digest. Very good. किसने दिया बेटा आंसर ये? Sir, I. नहीं but I मुझे वो पता नहीं चला ना कि कौन हो इसके लिए मैंने आपको नाम पूछा है बेटा. Sir, कामाक्षा. Okay, कामाक्षा. Very good बेटा. तो विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑलरेडी इन द अब्सॉर्बेबल फॉर्म हम इनको ब्रेक क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो सके डाइजेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें उनका अब्सॉर्प्शन करना है हम फूड खाते इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल सके एनर्जी मिल सके या एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स है मसल्स है नई सेल्स है वो फॉर्म हो सके ठीक है तो उनके लिए रॉ मटेरियल हमारे पास में आ सके इसके लिए हम फूड को प्रॉपर फूड का इंटेक करते हैं ओके तो फूड डाइजेस्ट होगा तब अब्सॉर्ब होगा लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ अगर डायरेक्टली अब्सॉर्बेबल फॉर्म में अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसका कोई डाइजेशन करने की जरूरत नहीं जैसे अगर आपने डायरेक्टली ग्लूकोज खा लिया डायरेक्ट अगर आपने ग्लूकोज का पाउडर पानी में मिला करके पी लिया या खा लिया तो आपको उसका डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है वो ग्लूकोज भी अब्सॉर्बेबल फॉर्म में है ठीक है असल में लेकिन हम जो फूड खाते हैं यूजुअली वो इसके लिए कि हमारे टीथ टंग जो है वो भी वहां पर प्रॉपर फंक्शन करे सब सिग्नल जाए बॉडी को कि यस कुछ फूड आने वाला है सब सिग्नल्स प्रॉपर मैकेनिकल्स तो उसके लिए वहां पर हम सभी चीजों का यूज करेंगे और वहां पर जो फूड लेंगे उसमें बहुत सारे मटेरियल्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे लार्ज कॉम्प्लेक्स उनको डाइजेस्ट करते हैं उनको अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लेकिन जो ऑलरेडी अब्सॉर्बेबल फॉर्म में है
उनको डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी एक्स्ट्रा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम उनको लेंगे, विटामिन्स को लेंगे, तो विटामिन्स डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाएंगे या तो फैट के साथ में या वाटर के साथ में। ओके, मिनरल्स अगर लेंगे तो मिनरल्स वाटर के साथ में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, मिनरल्स जो है हमारी सेल्स में अब्सॉर्ब हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, उससे रिलेटेड हम ट्रांसपोर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उनका। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो जल्दी से, अब हम मिलेंगे कल। यस यस बेटा। सर जो वो शुगर फ्री टैबलेट्स आती है ना चाय में डालने के, क्या बेटा? सर वो शुगर फ्री की टैबलेट्स नहीं आती क्या? सर वो तो मीठी होती है, फिर भी वो शुगर फ्री कैसे रहती? किसकी होती है? मीठी होती है। ओके ओके, मीठी होती है। तो आपने देखा होगा बेटा बहुत सारी स्वीट्स भी बनाई जाती है आजकल, उसको बोलते हैं शुगर फ्री। तो बहुत सारे आप अभी जैसे आप 12th क्लास में एक केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है, तो उसमें वहां पर बायोलॉजी की बायो मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाती है। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पढ़ाए जाते हैं आपको, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब वो नेचुरल स्वीटनर्स नहीं है, नेचुरल शुगर नहीं है, लेकिन वो शुगर की तरफ उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है और वो शुगर की तरफ वहां पर टेस्ट देते हैं, लेकिन वो शुगर नहीं है। ओके, क्लियर? तो उनका टेस्ट स्वीट आएगा, मीठा आएगा, लेकिन वो शुगर नहीं है, केमिकली वो शुगर नहीं है। ओके, क्योंकि हम केमिकली शुगर कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स रहेंगे वो, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसा डेफिनेशन पढ़ते हो आप शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट की। तो शुगर नहीं है केमिकली, बट वो स्वीट टेस्ट देते हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह यूज किया जाता है, शुगर फ्री बिस्किट्स बनाने के लिए, शुगर फ्री स्वीट्स बनाने के लिए, शुगर फ्री मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। अस्पार्टेम वगैरह ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कुछ प्लांट से भी निकाले जाते हैं, तो नेचुरल भी होते हैं वो। ओके, तो कुछ अस्पार्टेम जो प्लांट की, कुछ प्लांट की लीव से निकाला जाता है, लीव से निकाला जाता है, तो वो नेचुरल स्वीटनर है लेकिन शुगर नहीं है। और किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके बेटा, कल मिलते हैं। डाइजेशन हमने अभी पढ़ा है, डाइजेशन की प्रोसेस को हम और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर थोड़ा डिटेल में और थोड़ा बताऊंगा कैटाबॉलिक रिएक्शन से रिलेटेड, एक हम एग्जांपल देंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे डाइजेशन सभी एनिमल्स में डाइजेशन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, देन ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। Okay, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है 9-10 तक, वो थोड़ा सा रिकॉल करके आओगे ताकि उसके आगे आपको पता चल सके। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू सर।